सभी को याद भी है, परिवार को स्वास्थ्य प्रदान होगा और आप दीर्घायु होंगे और साथ साथ आपके परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। और शाबाशी उनको दीजिए जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, चाहे वो थोड़ा भी कर रहे, चाहे वो आपके कम उम्र में कर रहे, चाहे आपके पैसों से। देवाराम जी और उनकी टीम के द्वारा किया गया है उस पुस्तक के नाम में अपने आप में ही हमें ये मालूम पड़ता है कि ये कुछ न कुछ विशेष समाज के लिए बहुत विशेष धरोहर दिए हमें और इसको हमें संभाल के रखना है। इस पुस्तक के नाम से मालूम चलता है कि ज्ञान प्रकाश, ज्ञान तो इसके अंदर है ही, प्रत्येक बुजुर्ग गौड़ के लिए वो जरूरी और ये शरीर छोड़ दो और फिर जब नया शरीर तुम भारत में प्राप्त करोगे निश्चित मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा। जब भी आया इस पवित्र भारत भूमि में ही आया इसी सनातन धर्म। मैं जरूर कहूंगा सजना, जीवन मिलना बड़ी बात है, उससे भी ज्यादा बड़ी बात है जीवन को जीना। इस समय जीवन जरूर है हमारे पास मनुष्य का, पर मनुष्य जैसी जीवन शैली है क्या, ये सबसे पहला आत्मावलोकन होना चाहिए। इसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ये तो भाग्य की बात है, पर ब्राह्मण जैसा जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे पवित्र प्रांगण जहाँ महर्षियों के, जहाँ पितरों के यह स्थल, और आज मैं केवल गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज न कहूँगा क्योंकि यहाँ पुष्कर ब्राह्मण कुल में अगर कोई व्यक्ति जन्म ली, कोई किसी भी कोई भी ब्राह्मण हो, जय ब्राह्मण, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर एक ब्राह्मण का बात नहीं है, जय ब्राह्मण, किसी भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का अवसर हमें प्राप्त होता है तो निश्चित वो व्यक्ति ब्रह्म को जान ही लेता है। वो नहीं हो सकता कि